Hi friends, this is Manoj Sharma. Welcome to PD Classes. And today I'm going to give you a very important information. Get ready, students. Now it's the right time to get ready for NVS because we have seen there are portions of virtual interview, there are portions of face-to-face interview. कुछ भी संभव है, पर हम अपने आप को तैयार कैसे करें, क्या करें, पर अब ये समय आ गया है. मैं आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अब आपका जो NVS इंटरव्यू की डेट्स फाइनलाइज है, बहुत जल्दी आ रही है. मैं ये अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं. आपको तैयारी अकॉर्डिंगली करनी है. अभी मैंने एक पॉइंट लिखा था आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा थंबनेल पर, कि पर्टिकुलर हॉबीज क्या बतानी चाहिए एक टीचर को. एग्री? तो मैंने कहा यार ये भी बात बताते हैं आप बच्चों को. देखिए, जब आप ये बात इंटरव्यूअर के सामने बता रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कोई भी हॉबी हो सकता है. आपको चेस खेलना अच्छा लगता हो, आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता हो, आपको दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता हो, दोस्त बनाना, कुछ भी, व्हाटएवर योर हॉबीज आर. बट फॉर टीचर वी रिकमेंड यू, यू शुड स्पीक लाइक रीडिंग बुक्स. इफ यू स्टेट सर मुझे रीडिंग बुक से बहुत डर लगता है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक अप नॉन फिक्शंस, इंस्पिरेशनल बुक्स. वो भी नहीं पढ़ी सर, कोई बात नहीं. वॉचिंग इंस्पिरेशनल मूवीज, वो तो देखी होगी. तो वॉचिंग एंड रीडिंग इंस्पिरेशनल स्टफ अगर आप बोलते हो, इट पुट्स अ बेटर इंप्रेशन. अदर देन दैट, टीचिंग शुड बी योर हॉबी, इट गिव्स अ बेटर इंपैक्ट इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर्स. अगर आप टीचिंग अपनी हॉबीज बताते हैं, बेनिफिट मिलता है दोस्तों. आप बता के देखिए हॉबीज में, इट गिव्स अ बेटर इंपैक्ट रादर देन जस्ट प्लेइंग बैडमिंटन. इफ यू स्पीक टीचिंग, इट इज अ गुड हॉबी. प्रोवाइडेड आपने जो भी हॉबी बतानी है, वॉट एवर इट इज, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आप वॉचिंग मोटिवेशनल मूवीज, इंस्पिरेशन वर्ड्स यूज करो थोड़ा सा. इवन एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एवरीबडी लाइक्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स. इंटरेक्टिंग न्यू पर्सनैलिटीज, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है गर्ल्स को, तो इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आप हमें ये बताइए कि जब हम आपको जॉब दे देंगे तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाएंगे क्या. तो यहां पर अगर आपकी हॉबी इंटरेक्टिंग न्यू पर्सनैलिटी, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर है, इट पुट्स अ बेटर इंप्रेशन इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड दे विल सी यस यार ही और शी इज अ गाय हु इज रियली कैपेबल ऑफ जॉइनिंग NVS, राइट. एंड ऑल अदर देन दैट, देर आर अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव गिवन इन अवर यूट्यूब वीडियोस. हमने आपको 500 वीडियोस दे रखे हैं दोस्तों, 500 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें डेमो है टीचर पर और टीचर के इंटरव्यूज है. इंजॉय कीजिए. मेरा दूसरा चैनल भी आपके बहुत काम आएगा, व्लॉग बाय मनोज शर्मा, बिल्कुल इंजॉय कीजिए. आप हमारी गूगल मीट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अ पेड कोर्स. अदर देन दैट, आप हमारी बुक्स अवेल कीजिए. यूनिवर्सल इंटरव्यू इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, आपकी इंग्लिश डेवलप करने के लिए. बट ऑल अदर देन दैट, मैं जो आज आपको बातें बताने जा रहा हूं ये अप्लाई कर लेना, बस आपका इंटरव्यू बहुत जबरदस्त जाएगा. So, अभी तो ये डिलेमा में है कि जैसे कॉन्टेंट बेसिस में वर्चुअल इंटरव्यू हुआ, हमारा फेस टू फेस होगा, वॉट एवर इट इज, बट एक बात हमको तय है कि हमें इंटरव्यू देना ही देना है. एग्री करते हो? अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं यार मुझे समय नहीं मिला था इस काम के लिए, अगर समय मिलता ना जिंदगी में तो मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर लेता. समय मिल रहा है दोस्तों, समय मिल रहा है, इसका एडवांटेज लो. क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं यार इंटरव्यू डेट फाइनलाइज होगी ना, उसके बाद हम जी जान से मेहनत करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे हमें क्या करना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मोस्टली ICIC इंटरव्यू में, PO में, अभी मैं उस पर वीडियोस दे रहा था बच्चों को, तो उसमें इस साल के अलावा मोस्टली आज तक जब भी रिजल्ट आया है हमेशा 4 दिन दिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए. आप सोचिए क्या तैयारी कर लोगे यार, राइट. सो दिस इज अ राइट टाइम वेर यू कैन प्रिपेयर वेल. हाँ, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, आंसर्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं. बिल्कुल, अगर आप NVS के लिए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों में प्रॉब्लम रहती है वो आता है ड्रेसिंग सेंस का. तो मैं गर्ल्स के लिए यही कहूंगा कि बॉयज के लिए भी यही कहूंगा कि आपके जो ड्रेसअप है वो डिफरेंट नहीं लगने चाहिए, इट शुड बी कॉमन. लाइक अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार्स मत पहन के जाना, दैट वुड बी इनफ फॉर ऑल ऑफ यू. आपका जो बॉयज का खास करके है, उनका जो शर्टिंग है वो हमेशा लाइट कलर की होनी चाहिए. जो ट्राउजर्स वगैरह, दैट शुड ऑलवेज बी डार्क, हमेशा ध्यान रखिएगा. अदरवाइज एक बहुत अच्छी मैचिंग होती है, आप जानते हैं, डार्क ग्रीन एंड क्रीमी कलर की आप मान लीजिए ट्राउजर, तो वो जो कलर होता है दैट कलर इज वेरी इंप्रेसिव, मगर इंटरव्यू के लिए वो कलर अच्छा नहीं है. इंटरव्यू के लिए, एज ए इंटरव्यू, अगर आप ड्रेसअप सुनना चाहते हैं, स्काई ब्लू शर्ट पहनिए. और अगर गर्ल्स कहती है सर हम लोग कुर्तीज वगैरह पहन रहे हैं तो वेल एंड गुड है. अगर आप साड़ीज पहन सकते हैं, आप मैरिड है तो प्लीज साड़ी जरूर पहनिए, इट गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों. फिर बात आती है बॉडी लैंग्वेज की, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना,
वैसे तो मैंने अपने चैनल पर आपको 70 वीडियोस डाल रखे हो, बहुत अच्छे अच्छे बॉडी लैंग्वेज, आप एक बार देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। इवन मेरे दूसरे चैनल पर व्लॉग बाय मनोज शर्मा भी आपके लिए बना, आप चेक करिए। बट ऑल अदर देन दैट, मैं एक बात आपको कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज दोनों में इंपैक्टफुल है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वर्चुअल इंटरव्यू भी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? हाँ जी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों इंटरव्यू जब आप देते हो आप मोबाइल को हाथ में रख के इंटरव्यू देते हो, कभी मत देना बच्चों, मोबाइल को एक जगह पर प्लेस कर देना, उसके बाद आप इंटरव्यू देना, आप देखना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। अब बात आती है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे इंपैक्टफुल होती है। बॉडी लैंग्वेज इंपैक्टफुल होती है दोस्तों, लाइक सपोज यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन अब दे रहा हूं आपको, हेलो सर गुड मॉर्निंग आई एम मनोज शर्मा, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मगर अब देखिए, हेलो सर गुड मॉर्निंग आई एम मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं आई कॉन्टेक्ट से जब इतना फर्क पड़ सकता है तो आपका हाव भाव, हाँ मानता हूं यार कि आपके पांव नहीं दिख रहे हैं, आपने बेल्ट पहना है कि नहीं पहना आपका नहीं पता लग रहा है, इंपैक्टफुल ये रहता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में अपनी आई कॉन्टेक्ट का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी कि आप कैमरे की तरफ देखेंगे, पहली बात। दूसरी अच्छी बात, अपने हाव भाव आने दो, यानी कि आपकी जो हैंड्स मूवमेंट है वो कभी कभी आने दो, बाहर आने दो, उनको एक्सप्रेस करने दो, इट पुट्स अ गुड इंप्रेशन। अब चलते हैं कि इंटरव्यू यदि आपको बिठाता है आराम से, या आप ये कह लीजिए वर्चुअल इंटरव्यू तो ऑब्वियसली आप बैठे हुए होंगे, अगर वर्चुअल नहीं है फेस टू फेस है तो आप जाएंगे चलेंगे, राइट, सब कुछ आपको सिखा रखा है बॉडी लैंग्वेज में, आप बहुत अच्छे से हमारे वीडियो से सीख भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप उनके सामने बैठे हैं तो ऑब्वियसली दे वुड बी आस्किंग योर इंट्रोडक्शंस, एग्री। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में फंस जाओ यूट्यूब पर लिख दो और उसी के आगे लिख दो बाय पीडी क्लासेस। फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, इंट्रोडक्शन बाय पीडी क्लासेस, डिस्क्राइब योरसेल्फ बाय पीडी क्लासेस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बाय पीडी क्लासेस, तीनों एक ही क्वेश्चन है, मगर आप कुछ भी लिखेंगे और आगे लिख देंगे बाय पीडी क्लासेस तो आपको वीडियो मिल जाएगा। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। 500 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पर, 2000 वीडियो है पर्सनालिटी पर, बॉडी लैंग्वेज पर, इंटरव्यू पर। पर सबसे अच्छी न्यूज ये है कि हम सबके पास टाइम बहुत अच्छा है प्रिपेयर करने का। बहुत लोगों को लगता है यार आंसर तो आता है मुझे, मैं बता दूंगा अपना इंट्रोडक्शन, नहीं दोस्तों नहीं। हम कभी भी ये ना समझें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारी वर्डिंग्स पर होता है, नहीं, हमारा जो सिलेक्शन है द वे वी डिलीवर, अदरवाइज लोग हमारा गूगल मीट कोर्स क्यों ज्वाइन करते, लोग हमारी बुक से ही मंगवा लेते हैं ना, सारा मटेरियल तो हमारी बुक में है ही, और हमारी बहुत जल्दी ग्रामर बुक लॉन्च हो रही है, इंग्लिश ग्रामर की बुक, बिल्कुल आप में से अगर कोई कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन के लिए भी हमारी बुक अवेल करिए। बट ऑल अदर, एक बात इंपैक्टफुल रहेगी, दैट इज कि आपको जब इंटरव्यू देना है तो ये सोच कर देना है कि मुझे सिलेक्ट होना है, वो कुछ भी पूछे। हाँ वो आपसे पूछेंगे कि यार आप में क्वालिटीज क्या है, आप दूसरों से अलग कैसे हो, आपके एक्सपीरियंस पर आएंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पर्सनल क्वेश्चंस की सेटअप होता है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे गूगल मीट कोर्स अवेल नहीं कर सकते, उन बच्चों के प्रति मेरा पूरा प्रेम है, मैं 11 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, आप लिख दीजिए अपनी क्वेश्चन को, अपनी प्रॉब्लम को, मैं डेफिनेटली आपको उसी समय लाइव के दौरान अच्छा सा आंसर दे दूंगा। मैं रोज आपके लिए 11 बजे आता हूं लाइव आपको क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए। जिस ही बच्चे को प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप प्लीज उसको पूरा लिख दीजिए, मैं पढ़कर आपको बढ़िया सा आंसर बनाकर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऑल अदर, मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों, जी जान लगा दो। अब बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप जानते भी हैं, सर इंग्लिश जाने नहीं जाने, इंग्लिश में इंटरव्यू होगा नहीं होगा, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ऑल दिस क्वेश्चंस पुट्स अ बेटर इंपैक्ट। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में रहता है, एग्री करते हैं आप? बच्चों को तो ये लगता है कि सर अगर हिंदी में हो जाए ना तो हम सुखी हो जाए। पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने बहुत बार एक एग्जांपल दिया है, मेरी एक स्टूडेंट का, आपको केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, सिलेक्ट हो चुकी है, ऑनलाइन स्टूडेंट थी, आपको बता देता हूं मैं, शी वॉज फ्रॉम हरियाणा, और इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यूअर ने बोल दिया हाँ जी आप काफी हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए डेमो हमें इंग्लिश में दीजिए। कहते श्योर सर मैं देती हूँ। उसने कोशिश करी मगर वो एक बार के लिए सोच में पड़ गई, तो उसे बताया भी कि देखिए कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। यानी कि आपको अपने इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा बाइलिंगुअल रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी कल एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर इंट्रोडक्शन नहीं आता इंग्लिश में तो क्या करें, हमारा मन है सर सामने वाला हमसे इंग्लिश में बोल रहा है इंट्रोड्यूस यू सर। मैंने कहा यार कम से कम दो लाइनें तो शुरुआत आप इंग्लिश की बोल दो, हेलो सर गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस व्हाट एवर इट इज आई बिलोंग टू, इतना तो बोल सकते हो ना। यानी कि आपको कुछ कुछ अगर इंग्लिश के वर्ड्स आपने यूज कर लिए ना तो इंटरव्यूअर को एज्यूम हो जाएगा, ऐसे एक्सपेक्ट कर लेगा वो कि यार ये जो पर्सन ना इसको इंग्लिश आती है, चलिए ज्यादा इसको डिस्टर्ब। मगर आप बहुत बार बच्चा ऐसा करता है एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं बोलता, वो डरता है अंदर से, उसको लगता है यार इंग्लिश बोल दिया पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझसे इंग्लिश हिंदी नहीं मिक्सअप होता, नहीं होता, नहीं होता।
अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, अच्छे कैडर के लिए जा रहे हो, समय मिल रहा है, अपने आप को डेवलप कर लो यारो, ये क्यों सोचते हो कि आपसे नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है, बस आप करना नहीं चाहते। तो आप एक बार अपनी सोच के अंदर ये डाल लीजिए, यदि मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, सुनते जाइए ध्यान से, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना पड़ेगा, मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा। हम पता है क्या करते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन याद कर लिया, फैमिली के बारे में कर लिया, टीचर की क्वालिटीज कर ली, एनबीएस के बारे में कर लिया। नहीं दोस्तों, ये कोई भी कर सकता है, नाइन्थ क्लास का बच्चा भी ये याद करके आपको सुना देगा और आपसे ज्यादा अच्छी लाइनें सुना देगा। द वे यू गिव योर आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि डिलीवर करने की क्वालिटी होनी चाहिए बात की। आपको अगर स्टेज पे खड़ा किया जाता है, बोला जाता है डेमो दीजिए, तो सब खड़े होते हैं, सब चलकर जाते हैं, सब वहां तक पहुंचते हैं, मगर वो आपको ही क्यों ले, ये बात एक बार सोच कर देखो। कि कोई ऐसा होगा जो मना करेगा कि सर मैं नहीं जाऊंगा डेमो देने, ऐसा तो नहीं होगा। आपको एक बताऊं दोस्तों, बहुत प्यारी सी बात, मेरा स्टूडेंट था, गोवा गया था, गोवा मैथमेटिक्स का इंटरव्यू था, आपको मालूम है ना, उसके बाद में थोड़े ये पोस्टपोन हुए थे, उसको दो बार डेमो के लिए बोला हुआ था ना, ऐसा मानते ना आप, कई लोगों, आपके दोस्तों ने बताया भी होगा, दो डेमो ले रहे हैं, दो बार डेमो के लिए बोला। और एक स्टूडेंट था मेरा कृष्णा, जिसकी बारामुल्ला शायद पोस्टिंग आई है, एक समीना की पोस्टिंग आई है पटना, आपको बताया था मैंने, और एक अंबेडकर की नागालैंड पोस्टिंग आई है अभी रिसेंटली। तो जब वो इंटरव्यू देने जा रहा था, गया था, तो उसको उन्होंने बैठने ही नहीं दिया, उसको बोला हाँ जी जाइए डेमो दीजिए, खड़ा किया और वहीं इंटरव्यू ले लिया। अब देखिए आपके पास तरीका क्या है बैठकर आंसर देने का, और अचानक मैं आपको बोल दूं खड़े होकर आंसर दीजिए, थोड़ा अलग होगा ना। हर एंगल से अपने आप को तैयार करिए, ये मत सोचिए कि मुझे हमेशा बैठकर ही इंटरव्यू देना होगा। अब देखिए बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है वर्चुअल इंटरव्यू अच्छा है, बस मोबाइल चलाया, लैपटॉप चलाया, सामने बैठे थोड़े से दिखेंगे और कुछ भी कर लेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप कुछ रीड भी करके आंसर दे देंगे ना, वो पकड़ लेंगे आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, दे आर वेरी ट्रिकी पीपल। अदर देन दैट, अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है तब तो जबरदस्त, आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट तक आतक होते हैं, आपको जज करते रहते हैं, आपकी एक एक बात को वो देखते हैं। अभी मैं वाइस प्रिंसिपल और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की तैयारी करा रहा था बच्चों को, तो उनको यही सिखा रहा था कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे जस्ट आपको देखता रहेगा, और उसके देखने में वो इतना आपको जज कर लेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि आज तक आपने क्या किया। नो डाउट दोस्तों, मैंने आपको बोला आप डिप्लोमेटिक रहिए, अपनी हॉबीज रीडिंग बताइए, अरे कब बताओगे, जब आप कम से कम 5-7 किताबें पढ़ लोगे, या वैसे ही आप रीडिंग बता दोगे, यानी कि आपको कोई भी आंसर झूठ नहीं बोलना, आपको डिप्लोमेटिक होना है, तभी आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स एनबीएस, एपीएस, केवीएस सभी ऑल इंडिया से बच्चे हमारे पास गूगल मीट कोर्स करते हैं, यहां आते हैं, बुक्स अवेल करवाते हैं, रीजन इज ओनली वन, वी मेक दैम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर क्या मैं प्रैक्टिस ये घर पे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो यार, मगर आप करते नहीं हो। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। आई यूजली गो जिम, और कोरोना एपिडेमिक की वजह से मैं जिम नहीं गया, तो मुझे लगा यार डंबल्स ले और खुद जिम कर लेंगे, और चलिए जिम शुरू करते हैं। आप यकीन मानेंगे 10-15 मिनट मुश्किल से, और वो भी पूरे वीक में 2-3 बार, बस इतना ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। ये रियलिटी है दोस्तों, जब तक हमें कंपटीशन नहीं मिलता, जब तक हमें हमारे बराबर के लोग नहीं मिलते, जब तक हमें ये नहीं पता लगता मैं कितने पानी में हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे पास एक लेक्चरर आई, वो लेक्चरर आज एनबीएस में ही, उनका नाम नेहा है। जब वो सामने मेरे पास पहली बार बैठे थे, फिजिक्स के लेक्चरर, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सर सच में पता लगा है पहली बार बैठ के कि क्या गलतियां हम करते हैं। आप ये मान लीजिए दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता, वी डोंट नो व्हाट वी आर, बट द थिंग इज कि हम जब किसी राइट मेंटर के सामने मिलते हैं, तभी हम रियलाइज करते हैं कि हाँ यार हमें ये अच्छी बात है और ये बुरी बातें, अब हमें बुरी बातें हटानी है, यानी कि हमें अपनी वीकनेसेस हटानी है। अब अपनी वीकनेस को हटाया कैसे जाता है, वो हटाया जाता है दोस्तों ओनली विद वन थिंग, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार कर लो, इतनी बार उसे नेचुरल बना लो। हाँ, मैं बहुत से आंसर्स आपको स्पीड अप देता हूं, प्लीज इंटरव्यू में स्पीड में मत बोलना, मेरे पहले के वीडियोस तो बहुत स्पीड अप है, मुझे माफ करना। मगर एक बात बताऊंगा कि मैं ये सोचता था बच्चों का समय कम लगेगा, पर बच्चे कंप्लेन करते हैं सर आपका वीडियो दो बार देखना पड़ता है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। इंटरव्यू में आप आराम से बोलना, रिलैक्स होकर बोलना, इंटरव्यू की बात पूरी होने देना, अगर कोई आपको इंटरप्ट करे तो चुपचाप दूसरे वाले पे शिफ्ट हो जाना, पहले वाले पर मत रहना, ये बात भी याद है।